हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABN फॉर वेंट्रे। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे थे अबाउट सेक्शन 194Q, उसके बारे में मैंने सॉल्यूशंस आपसे शेयर किए अपने पिछले वीडियो में। अब आपके और कुछ क्वेश्चंस अबाउट सेक्शन 194Q के सॉल्यूशंस में शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इस प्रोविजन के बारे में। दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं आपके इन सवालों का सॉल्यूशन दूंगा और इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप पूछेंगे कि अगर बायर गुड्स इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्या तब भी उसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन? दोस्तों, ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस प्रोविजन अराइजेस ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड टू ए रेजिडेंट सेलर। इन द केस ऑफ इंपोर्ट, द सेलर इज ए नॉन रेजिडेंट, देयरफॉर बायर विल नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस प्रोविजन। द बायर मे टेक ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर। हाउएवर, द TDS और पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी मे बी रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। इन केस ऑफ परचेज ऑफ गॉड्स थ्रू हाई सी सेल्स ट्रांजेक्शन, दिस एक्सेप्शन मे नॉट बी एप्लीकेबल एज द हाई सी सेलर मे बी ए रेजिडेंट। अब आप पूछेंगे कि क्या अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं आउटसाइड द कंट्री, तब भी क्या मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q? दोस्तों, लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस प्रोविजन अराइजेस ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड टू ए रेजिडेंट सेलर। Residential status of the buyer who is making payment is not relevant under this provision, as in the transaction of export of goods, the seller is a resident but the buyer is a non-resident. Thus, the liability to deduct tax under this provision may arise on the non-resident buyer. However, it is a cumbersome exercise of determining the satisfaction of all the conditions of section 194Q and section 206AB, availability of PAN, etc. I hope that CBDT may come out with necessary clarification in this regard shortly. Ab aap puchenge, किस चीज को एज ए परचेज ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि गुड्स की तो कोई डेफिनेशन अवेलेबल है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, टर्म गुड्स इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। टर्म गुड्स हैज वाइड मीनिंग, एनीथिंग विच कम्स टू द मार्केट कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स। हाउएवर, term goods has been defined under the Sale of Goods Act and Central Goods and Services Act 2017. Sale of Goods Act defines goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to
और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. यू मे हैव ए लुक एट द लिस्ट ऑफ गॉड्स एज डिफाइंड अंडर वेरियस लेजिस्लेशंस विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. अब आप पूछेंगे कि अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूं सिक्योरिटीज में थ्रू ए स्टॉक एक्सचेंज तो क्या वो भी टीडीएस के दायरे में आएगा? दैट विल कम अंडर टीडीएस प्रोविजंस. वेदर टीडीएस विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड. फ्रेंड्स, व्हेन फाइनेंस एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस्ड Section 206(c)(1)(h) to provide for collection of tax on the sale of goods, concerns were raised about the applicability of such provision in respect of transactions through stock exchange or commodity exchange, as there is no one-to-one contact between the buyer and seller. In respect of the above, CBDT White Circular Number 70 of 2020 clarified that provisions of Section 206(c)(1)(h) shall not be applicable in relation to transactions in securities and commodities which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporations, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporations located in International Financial Services Center, that is IFSC. Applying the rationale behind such clarification, it can be inferred that the CBDT may allow a similar exemption from TDS under Section 194Q as well. A suitable clarification from CBDT is the need of R. Dosto, ab aap puchenge ki agar main capital goods purchase karta hoon, to kya us par bhi mujhe TDS deduct karna padega? As explained just now, that goods means every kind of movable property subject to certain exceptions and inclusions, irrespective of whether it is capital goods or not. Hence, TDS is to be deducted on purchase of capital goods also. 206AB. Dosto, ab aapke man mein aa rahe hain bahut sare question. अंडर सेक्शन 194Q का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया. इसी तरह के और क्वेश्चन जो 194Q के बारे में आपके मन में आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा. तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा. अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CABN फोवेंट्री पर. तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में. तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए. Bye-bye.